चलो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो अपडेट आप देखें सबसे पहले। हाँ जी, क्या हालचाल आप सभी के, मैं आपका दोस्त हंस पठान दोबारा आ गया हूँ एक वीडियो के साथ। सो इस वीक की जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो एक हैपनिंग वीडियो से करते हैं और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों की। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक गिलास में या किसी भी चीज़ में हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा और डाल देते हैं। उसके बाद हम डालेंगे ये ऑयल है, कोई भी यूज़ कर सकते हो, हम ये लिया है, सरसों का तेल भी बोल सकते हैं हम इसे। थोड़ा सा और डाल देते हैं और ये ऑयल ऊपर तैरता क्यों है, क्योंकि पानी से ऑयल की डेंसिटी हल्की होती है इसलिए ऊपर ही तैरता है। और अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। हमारे पास ये थोड़े फूड कलर है, मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा और दो तीन कलर और मिला देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ी देर तो रिएक्शन स्टार्ट भी हो गया है, अभी तक हमने पूरे कलर डाले भी नहीं है। ये हो क्या रहा है इसमें एक्चुअली, ये बताते हैं आपको। तो इसमें हो क्या रहा है, जो लिक्विड कलर फूड कलर जो है ये, इसकी और वाटर की डेंसिटी सेम है। सो हम स्टार्टिंग में जब ऑयल के ऊपर डाल रहे हैं ये धीरे धीरे नीचे जाती है और यहाँ पर थोड़ी जो ऑयल की लेयर है उससे इसको नीचे जाने में डिजॉल्व वाटर से डिजॉल्व होने में टाइम लगता है और उससे एक अच्छा सा ये मैजिकल सा एक इफ़ेक्ट देती है जैसे कि आप देख रहे होंगे।
एक बार मैं आपको यहाँ से जैसे आप देख पा रहे हो, फिर बड़ा कलरफुल सा लग रहा है मेरे को, तो एक बार आपको इस पास आके दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप, ये देखिए कितना कलरफुल अच्छा सा लग रहा है देखने में। ये देखिए जैसे ये आया ड्रॉप आई है। और अब इसको एक नए तरीके से और करके दिखाते हैं आपको। तो एक तो ये हो गया पहला तरीका, और अब दूसरे आपको ट्रिक से करके दिखाते हैं। तो आइए, दूसरे तरीके के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल, और पहले में हमने अलग अलग करा था, अब इसमें हम ऑयल के अंदर ही कलर को मिक्स कर देंगे। बहुत है, और इस बार सिर्फ दो कलर लेते हैं हम। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स होने के बाद कुछ ऐसा है, गिर गया थोड़ा सा। मिक्स होने के बाद ये प्रॉपर तो मिक्स नहीं हुआ है अभी, बस ये कुछ मिक्स जैसा लग रहा है। सो अब इसमें हम डालते हैं पानी, इतना बहुत है। सो अब जो हमने मिक्स करा है इसको हम डालेंगे इसके अंदर। अभी तो वाटर ऑयल के साथ ही है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे वाटर थोड़ा टाइम बाद सेपरेट होगा और पानी के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने दो तरीकों से करके दिखाया, और ये था हमारा पहला तरीका जिसमें हमने सारी चीज़ें अलग अलग डाली थी। तो इसका हाल आप देख सकते हो, ऑयल अलग दिख रहा है और कलर अलग ही मिक्स हो गया है। ये जल्दी हो गया था, और ये दूसरा तरीका जिसमें अभी भी कलर इसमें से सेपरेट हो रहा है, और इसमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसमें अलग नहीं डाला था, ऑयल और ये फूड कलर को हमने मिक्स कर दिया था, तो उसकी वजह से इसको सेपरेट होने में थोड़ा टाइम लगा। सो ये अभी भी हल्का हल्का रिएक्शन हो रहा है, मुझे यहाँ से दिख पा रहा है, आपको पता नहीं दिख पा रहा नहीं होगा शायद। सो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट में ऐसी फरफाती आइडिया दें और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, आप ये घर पे ट्राई कर सकते हैं, इसको मैं मना नहीं करूँगा।